हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री स्मिता पाटिल उन एक्ट्रेस में से थी जिन्होंने हर तरह के फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया। एक समय ऐसा था जब स्मिता इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गई थी, लेकिन महज 31 साल में स्मिता दुनिया को अलविदा कह गईं। स्मिता पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 17 अक्टूबर 1955 में हुआ था। स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी शौक था। स्मिता ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि फिल्मों में आने से पहले स्मिता दूरदर्शन पर न्यूज़ रीडर थी। इसके बाद स्मिता पाटिल ने फिल्मों में ट्राई करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद स्मिता को फिल्म मेरे साथ चल मिल गई। ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी जो 1974 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया, जिसके बाद स्मिता पाटिल के पास कई फिल्मों का ऑफर आया। कई फिल्मों में स्मिता पाटिल ने ज़बरदस्त काम किया और महज कुछ सालों में ही टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में स्मिता पाटिल का नाम भी जुड़ गया। इस बीच स्मिता पाटिल की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उन्हें खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह बनी थी उनका और राज बब्बर का रिश्ता। स्मिता शादीशुदा राज बब्बर को दिल दे बैठी थी। दोनों की मुलाकात फिल्म भीगी पलके की शूटिंग के दौरान हुई, जो प्यार में बदल गई। उस वक्त राज बब्बर ने भी अपनी पहली पत्नी को छोड़ स्मिता के साथ घर बसाने का मन बना लिया था। दोनों शादी से पहले लिव इन में रहने लगे थे और कुछ समय बाद शादी कर ली। इस वजह से स्मिता को एक औरत का घर तोड़ने के लिए काफ़ी कोसा जाता था। स्मिता ने महज 21 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया था। स्मिता पाटिल को उनके फिल्म चक्र और भूमिका जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद फिल्म जैत रे जैत, चक्र और उबरंढा के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी स्मिता पाटिल को मिला। स्मिता पाटिल को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। स्मिता ने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। स्मिता पाटिल की मौत प्रसव के दौरान हुई थी। स्मिता ने अपने बेटे प्रतीक को जन्म दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और डिलीवरी के 15 दिन बाद स्मिता पाटिल का निधन हो गया। बता दें कि स्मिता पाटिल की मौत के बाद उनकी 14 फिल्में सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी।